सिवनी मालवा नगर में बुधवार को बानापुरा ओवरब्रिज से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय युवा मोर्चा कार्यकर्ता सहित विधायक प्रेम शंकर वर्मा तथा राज्यसभा सांसद माया नारोलिया भी बाइक पर सवार और रैली में सम्मिलित हुई। बाइक रैली बानापुरा ओवरब्रिज से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए स्थानीय संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हरघर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस निमित्त सिवनी मालवा भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में बानापुरा से बाइक रैली के द्वारा हरघर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर हाथ में तिरंगा लेकर नगर भ्रमण कर हरघर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का कार्य किया जा रहा है। उनका ये कदम देशभक्ति की प्रेरणा देता है और हम सभी ने भी इसी अभियान में शामिल होने का कार्य किया है। नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के महोत्सव पर देश पर अपनी कुर्बानी देकर बलिदान पाने वाले वीर सपूतों की याद में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर मंडल स्तर पर हर घर तिरंगा यात्रा को निकालने का आह्वान किया है, ताकि देश पर कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों की शहादत को नमन किया जा सके। इस अवसर पर विधायक प्रेम शंकर वर्मा, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन, पार्षद प्रीति शुक्ला, दीपक बातव सहित बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।